हेलो दोस्तों, तो आप जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों एंड सभी को जय जिनेंद्र। आज हम बनाना सीखेंगे मैंगो फालूदा और चॉकलेट फालूदा। क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और सभी को ठंडा ठंडा फालूदा खाने का मन जरूर करता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम बाहर नहीं खा पाते हैं। तो आइए जानिए इसको घर में फटाफट कैसे बनाएं। तो फालूदा बनाने के लिए हमें इस तरह के दो जार लेने होंगे। अब मैंगो फालूदा बनाने के लिए जो सामग्रियां चलेंगी उसको हमने एक मैंगो के छोटे छोटे पीस करके कटोरी में रख लिया है, और हमने लिया है टूटी फ्रूटी, और हमने लिया है डेकोरेशन के लिए ड्राई फ्रूट्स, सब्जा के बीच जो हमने आधे घंटे पहले फुलो के रखे थे, और मीठी सेवैया हमारे पास जो घर में उपलब्ध है। और ये हमने मैंगो का थिक शेक बना करके रखा हुआ है, ये भी हम लेंगे जो कि एकदम चिल्ड है। फालूदा में डालने के लिए आइसक्रीम चाहिए होती है, आप घर की आइसक्रीम भी ले सकते हैं, हमने अमूल की 10 रुपए वाली आइसक्रीम ली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैंगो फालूदा बनाना। ये हर्सले का चॉकलेट सिरप है जो हम इस कंटेनर में चारों ओर बढ़िया डेकोरेट करके डाल लेंगे। अब हम टूटी फ्रूटी को थोड़ा थोड़ा कंटेनर में डाल लेंगे, साथ में हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, आप देख सक रहे हैं। अब हम इसमें जो ये मैंगो का थिक शेक था इसको हम इसमें डाल लेंगे। ये थिक शेक ऑलरेडी हमने पहले से बनाया हुआ था। अब इसके बाद हमने ये जो सब्जा के बीज हमने फ्लो करके रखे थे हम ये इसमें डाल लेंगे, आप देख रहे हैं किस तरह हम डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये जो चिल्ड दूध है थोड़ा सा ये डाल लेंगे, इससे काफी सुंदर दिखता है हमारा फालूदा। उसके बाद ये जो मीठी सेवइयां थी, जो नॉर्मल सेवइयां आती है उसी को हमने घर पे बना लिया है पानी में उबाल करके शक्कर मिला के, इसे हम अच्छी तरीके से डाल लेंगे। उसके बाद ये जो मैंगो के छोटे छोटे पीस किए हुए थे हम इसको ऊपर ऐसे पोर कर देंगे, डाल देंगे आराम से। फिर इसके ऊपर हम फिर से ये जो चिल्ड दूध था, चिल्ली दूध को फिर से हम ऊपर थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच डाल लेंगे। उसके बाद ये जो आइसक्रीम हमने ली थी इस आइसक्रीम को हम इस फालूदा के ऊपर डाल लेंगे। हमने ये जो वनीला फ्लेवर आइसक्रीम है हम इसमें ऊपर डाल लिए हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो मैंगो फालूदा थोड़ा बन के तैयार है। इसको डेकोरेट करने के लिए हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल लेंगे। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, ये हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे ऊपर पे थोड़ा सा, और ये जो कटे हुए मैंगो के पीसेस थे इसको हम ऊपर से डाल लेंगे, और ये मीठी सौंफ होती है इसको हम डाल लेंगे। ये सारी चीज़ें मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती हैं। अब आप देखेंगे करीब से ये फालूदा हमारा कितना प्यारा दिख रहा है। ये हमारा फालूदा बन करके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना टेस्टी यमी दिख रहा है। जितना टेस्टी यमी दिख रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए कितने फटाक से हमने अपना फालूदा तैयार कर लिया। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं चॉकलेट का फालूदा बनाना। उसके लिए हम वैसे ही कंटेनर में चॉकलेट सिरप हर्सले का चारों ओर डाल लेंगे बढ़िया से। अब इसमें हम एक डेकोरेशन की छोटी सी लेयर टूटी फ्रूटी से और ड्राई फ्रूट से डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स की लेयर हम डाल रहे हैं। उसके बाद ये चॉकलेट चिप्स होती हैं, इसको भी हम एक लेयर पर डाल देंगे। अब दोस्तों ये जो चिल्ड मिल्क था हम इसको डाल लेंगे, और थोड़ा सा हम आटे के लिए बचा लेंगे इसमें। उसके बाद ये जो सब्जा के बीज हमने फ्लो के रखे थे ये थोड़ा सा इसकी एक लेयर हम डाल लेंगे इस दूध में।
इसके बाद ये जो मीठी सेवैयां थी, इस मीठी सेवैयां की एक लेयर हम इसमें डाल लेंगे। हमें चॉकलेट फालूदा बना रहे हैं, तो दोस्तों जो कि हम चॉकलेट के जो हर्षले का जो चॉकलेट सिरप है इसको डालेंगे, कि हम चॉकलेट फालूदा बना रहे हैं तो इसमें चॉकलेटी स्वाद रहना चाहिए काफी। हम काफी मात्रा में अच्छा सारा चॉकलेट सिरप डाल लेंगे, और चॉकलेट सिरप डालने के बाद जो हम दोस्तों इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये हमारा चॉकलेट फालूदा है तो मिल्क में चॉकलेट का स्वाद आना चाहिए। अब हमने इसको मिक्स कर लिया, इसके बाद हम इसमें जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम की पूरी लेयर हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट फालूदा की। अब दोस्तों इसके ऊपर हम जो है ये चॉकलेट चिप्स की पूरी लेयर है इसको डाल देंगे, फिर मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा ये कितना कूल दिख रहा है। इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स की लेयर भी डाल लेंगे, और साथ में ये टूटी फ्रूटी की भी एक लेयर डाल लेंगे। ये हम डेकोरेशन कर ले रहे हैं ऊपर से, और ये जो हमने दूध बचा के रखा था आखिरी में, अब उस दूध को हम इस पे 2-3 चम्मच डाल लेंगे। फिर हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालेंगे हर्षले का, डेकोरेट करने के लिए थोड़े से हम ये स्प्रिंकल्स डाल देंगे। अब ये चॉकलेट फालूदा हमारा बन करके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल आप इसको ऊपर से भी देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसको हम फ्रिज में रखने से ये फालूदा ठंडा हो जाएगा बढ़िया, चूंकि हमारी आइसक्रीम इसके अंदर पिघल गई है तो फ्रिज में रखने से वो सही हो जाएगी, तो ये फालूदा बढ़िया बनेगा, तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। देखिए ये हमारा होममेड फालूदा बन करके तैयार है, और आप भी ये फालूदा जरूर ट्राई कीजिए, अपने घर में बनाइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।